Hello my dear kids and parents, welcome to my channel My Parsala by Nitu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जाम क्लास फर्स्ट के सिलेबस एंड सैंपल पेपर मैथ सब्जेक्ट से। इससे पहले मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट के क्लास फर्स्ट के सिलेबस एंड सैंपल पेपर की वीडियो बनाकर डाल रखी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हम इसके लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही मैंने सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जाम कब होते हैं, क्या होते हैं और कैसे आप इसे अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, उसकी एक वीडियो मैंने बनाकर डाल रखी है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो फिर उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास फर्स्ट मैथ के सिलेबस। तो चलिए आइए, इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम क्लास फर्स्ट के मैथ के सिलेबस देखेंगे। मैथ में हमारा यूनिट 3 को कवर किया गया है, नंबर्स में, कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटेशन ऑपरेशन, पैटर्न, मनी, टाइम एंड कैलेंडर, लेंथ, वेट एंड कंपैरिजन, जियोमेट्रिकल शेप्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, स्कॉलर जॉब, बैक एंड फोर्थ काउंटिंग वंस एंड टेंस। कंप्यूटेशन ऑपरेशन में आ जाएगा आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन। पैटर्न, पैटर्न्स रीजनिंग से संबंधित रहते हैं, इसके भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। मनी, टाइम एंड कैलेंडर, जिसमें मनी, टाइम एंड कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। लेंथ, वेट एंड कंपैरिजन मेजरेशन में आ जाते, मेजरमेंट में आ जाते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड में आ जाते हैं। स्कॉलर जॉब, जिसमें कुछ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो है यहाँ पर दिया गया है एंड मार्क्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल मार्क्स इतने हो जाते हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो है 25 हैं और टोटल मार्क्स 100 रहते हैं। तो चलिए अब इसका हम सैंपल पेपर देख लेते हैं। सैंपल पेपर ही देखिए, ये मैथ का सैंपल पेपर है। पहला, द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर कंटेंट 40 क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट पेपर ऑफ 60। एक्चुअल जो एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं वो 40 क्वेश्चंस रहते हैं और उनके लिए टाइम 60 मिनट का रहता है। यहाँ पे कुछ सैंपल पेपर्स, कुछ ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर कम्स इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ट्वाइस हैज लिस्ट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज, सबसे कम इंडियन रुपीज उसमें से कौन से ट्वाइज का कॉस्ट है। तो सबसे लिस्ट कॉस्ट हो जाती है 72, कार की कॉस्ट है 72 रुपीज, जो सबसे कम है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द डिफरेंस गिवन बिलो, कौन से दो नंबर में हम डिफरेंस करके 18 प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं, 2 10s and 4 1s, बी 2 10s and 2 1s, सी 3 10s and 1 1s, 2 1s एंड डी 2 10s and 8 1s। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट रिटन ऑन द बोर्ड गिवन द बिलो, डी 19 एंड डी 41। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 32। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 23 मीटर्स, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ऑप्शन ए 18 मीटर, बी 16 मीटर, सी 19 मीटर एंड डी 28 मीटर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 28 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6, इफ सर्कल इज इक्वल टू 3 10s एंड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सर्कल प्लस सर्कल प्लस सर्कल। ऑप्शन ए 90, बी 60, सी 30 एंड डी 70। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 90। तीनों में क्या आ जाएगा सर्कल्स में, 30 प्लस 30 प्लस 30। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज थिनर देन बॉटल, बॉटल से थिनर इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 8. What will come in place of the question mark in the number series given below? 63, 67, 71, 75, 79. So next ho jayega option C, 81. Sab mein 2 to digit badhte ja rahe hain. Sab number mein hum plus 2 karke badhte jayenge. 63 plus 2 67, 67 plus 2 71, 71 plus 3. Sorry, 63 plus 4. ये हो जाएगा आपका 63 plus 4, 67. 67 plus 4, 71. 71 plus 4, 75. 75 plus 4, 79. और 79 plus 4, ये हो जाएगा 80. 3. So correct answer is option D, 83. Next, question number 9. How many triangles can be formed using the figure given? Kitne triangles isme ban rahe hain? So 1, 2, 3 and 3 aur ek ye 4. So 4 triangles ban rahe hain. So correct answer is 9 ka B. 9 ka option ho gaya B correct answer. Question number 10. What comes next in the letter series given below? C, E, G, I, K, what? Correct answer is option C, M. ये किस प्रकार हो रहा है? देख लीजिए. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. यानी हर letter के बीच में one letter add होते जा रहा है. K L M. So correct answer is option C. तो ये आपके सैंपल पेपर हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आप इस प्रकार अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं. और हमारे चैनल पर भी आपको रीजनिंग एंड मैथ से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो इस प्रकार को वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं. और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, क्लास फर्स्ट के और भी सब्जेक्ट्स के सिलेबस एंड सैंपल पेपर मैं स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में लेकर आती रहूंगी. तो आप हमारे चैनल पर बने रहें. आज के लिए इतना ही. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं. और साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.